वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेकिंग ऑफ कर्ड या फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कि कर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब कर्ड कह लो, योगर्ट कह लो, दही कह लो, जो मर्जी आए कह सकते हैं। तो कर्ड खाना हम सबको बहुत पसंद होता है, स्पेशली जब समर का सीजन होता है तो हम हमारे लंच में, डिनर में, या फिर हम कर्ड को लस्सी बनाकर पीना पसंद करते हैं। ठीक है, तो कर्ड बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही डिलीशियस होता है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 100 ग्राम कर्ड में 9 to 10 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, और जो प्रोटीन है वह हमारी बॉडी के लिए बहुत ही असेंशियल होता है। अगर हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छा होगा तो हमारी जो बॉडी है वह अच्छे से ग्रो करेगी, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। तो कर्ड खाना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप भी अपने लंच में, डिनर में कर्ड जरूर से लें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कर्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो आपने देखा होगा कि आपके घरों में मम्मी क्या करती हैं, जो दूध होता है उसका कर्ड बनाती हैं। ठीक है, अब कर्ड कैसे बनाती हैं, तो पहले जो दूध होता है उसको गर्म करती हैं, फिर उसको थोड़ा ठंडा करती हैं और उसमें थोड़ा सा कर्ड डालती हैं। लगभग 1 टेबल स्पून कर्ड उसमें मिलाया जाता है, और आफ्टर 10 to 12 आवर जो दूध है वह कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने उसका बाहरी प्रोसेस देखा सिर्फ, कि बाहर से हमने उसमें क्या क्या किया, लेकिन उसके अंदर का प्रोसेस हमको नहीं पता कि जब हमने मिल्क में कर्ड ऐड किया तो उसके अंदर क्या प्रोसेस हुआ, उसका तो हमें पता नहीं है। तो उसी के बारे में हम आज इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं कि मिल्क के अंदर जब हम कर्ड ऐड करते हैं तो उसके अंदर ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिससे जो मिल्क है वह कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि मिल्क से कर्ड किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए मिल्क, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मिल्क चाहिए। ठीक है, अब हम बाज़ार गए और हम बाज़ार से मिल्क लेके आ गए क्योंकि हमको कर्ड बनाना है। चलिए अब जो हम बाज़ार से मिल्क लेके आए हैं, दैट इज रॉ मिल्क। कैसा मिल्क है बच्चा, यह एक कच्चा दूध है। ठीक है, अब इस कच्चे दूध को हमें गर्म करना है। गर्म क्यों करना है हमें कच्चे दूध को, क्या हम कच्चे दूध को ही नहीं पी सकते, बताइए। तो जी नहीं, हम कच्चे दूध को नहीं पी सकते हैं। क्यों नहीं पी सकते, क्योंकि जो कच्चा दूध होता है उसमें बहुत सारे बैड बैक्टीरियाज होते हैं, तो अगर हम उस दूध को पिएंगे तो जो बैड बैक्टीरियाज हैं वह भी हमारे स्टमक में चले जाएंगे और हमें बहुत सारी डिजीजेज कॉज करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें उस दूध को गर्म करना है, जिससे जितने भी बैड बैक्टीरियाज हैं वो उसमें से मर जाते हैं और वह दूध बन जाता है कैसा दूध, हेल्दी मिल्क। ठीक है, हेल्दी मिल्क बन गया। अब जो दूध हमने गर्म किया है, क्या हम इतने ज़्यादा गर्म दूध में ही जामुन डाल सकते हैं, कर्ड डाल सकते हैं, तो नहीं। अगर हम इतने ज़्यादा गर्म दूध में अगर हम कर्ड ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा दूध है वह ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें उसको कूल डाउन करना है। आपने अपनी मम्मी और को देखा होगा कि वह दूध को कूल डाउन करती हैं और उसके बाद उसमें कर्ड ऐड करती हैं। तो हमें कूल डाउन बिल्कुल कूल नहीं करना, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है दूध को। ऐसा नहीं है कि हम उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस लेके आ गए, नहीं, हमें उसको थोड़ा गर्म रखना है, वार्म रखना है। तो हमें कैसा मिल्क चाहिए, वार्म मिल्क चाहिए। इसलिए हमें ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस तक, 37 to 40 डिग्री सेल्सियस तक इसको ठंडा करना है। ठीक है, अब हमारा ये काम हो गया, हमने क्या किया, दूध को गर्म किया और हमने दूध को ठंडा भी कर लिया। ठीक है बच्चा, अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ठंडा दूध है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम कर्ड ऐड करते हैं, या फिर कह लीजिए स्टार्टर या इनोकुलम, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्टर ऐड करते हैं, और यहाँ पे स्टार्टर क्या है, यहाँ पे स्टार्टर है 1 टेबल स्पून कर्ड। कितना कर्ड है, ओनली 1 टेबल स्पून कर्ड हमें उस दूध में ऐड करना है। चलिए अब हमने इसमें कर्ड ऐड कर दिया, तो बेटा इस 1 टेबल स्पून कर्ड में ही मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इस 1 टेबल स्पून कर्ड में
मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होगा तो दूध दही में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसकी फुल फॉर्म भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है बच्चे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं लैक्टो बैसिलस बैक्टीरिया। इसको क्या बोला जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी इसको बोला जाता है। तो सिर्फ 1 टेबल स्पून कर्ड ही बहुत सारे दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए एनफ होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें अगर ज़्यादा दूध है तो बहुत ज़्यादा कर्ड उसमें ऐड करना पड़ेगा। अब हमने क्या किया, हमने मिल्क में कर्ड ऐड कर दिया जिसमें बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेगा, इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का क्या काम है मिल्क में, तो मिल्क में पाई जाती है लैक्टोज नाम की शुगर। मिल्क में क्या पाया जाता है बेटा, लैक्टोज नाम की शुगर पाई जाती है, दैट इज नेचुरल शुगर। आपने देखा होगा कि जब हम दूध पीते हैं तो जो दूध है वह हमें थोड़ा मीठा लगता है। अब हमें दूध मीठा क्यों लगता है, क्योंकि दूध में क्या है, दूध में शुगर प्रेजेंट है। कौन सी शुगर है, दैट इज लैक्टोज। आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि मिल्क में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, दैट इज लैक्टोज शुगर, ठीक है। तो ये जो हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये क्या काम करता है, हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कर्ड डाला था वो इस पर काम करना स्टार्ट करेगा और इस लैक्टोज को ये कन्वर्ट कर देता है, किस में, लैक्टोज को ये कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर दिया, लैक्टिक एसिड में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। और इसीलिए जो कर्ड होता है उसका जो टेस्ट है वह कैसा हो जाता है, सावर टेस्ट हो जाता है या फिर खट्टा टेस्ट उसका हो जाता है। तो कर्ड का हमें खट्टा टेस्ट किससे आया, हमें आया लैक्टिक एसिड बनने की वजह से, ठीक है। चलो ये काम हो गया, अब लैक्टिक एसिड भी बन गया। अब जो कर्ड होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो आपने देखा होगा कि वह सेमी सॉलिड रहता है, ठीक है। ना तो मिल्क जितना लिक्विड रहता है और ना ही उसका जो पनीर बनता है मिल्क का उसके जितना सॉलिड होता है, वह बीच का रहता है। तो सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर उसका कैसे आता है, तो देखिए अब क्या होता है कि जो मिल्क है उसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट है। कौन सा प्रोटीन है, दैट इज कैसीन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, दैट इज कैसीन प्रोटीन मिल्क में प्रेजेंट रहता है। तो अब हमारा जो लैक्टिक एसिड बना है वो क्या करेगा, वह इस कैसीन पर काम करना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, जो लैक्टिक एसिड बना है वह इस कैसीन पर काम करना स्टार्ट करता है। और इस कैसीन का क्या होता है, इस कैसीन का होता है कोएगुलेशन। क्या होता है बच्चे, कोएगुलेशन होता है। अब ये कोएगुलेशन क्या होता है, ठीक है, कोएगुलेशन क्या होता है, तो जो कैसीन होता है वह है बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। किसकी फॉर्म में रहता है, बंडल्स की फॉर्म में। इस तरह से कैसीन प्रेजेंट रहता है मिल्क में, इनको हम बोलते हैं ग्लोबुल्स। इन बंडल्स को क्या बोला जाता है बच्चा, इनको बोला जाता है ग्लोबुल्स। तो जो कैसीन है वह मिल्क में ग्लोबुल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब लैक्टिक एसिड इस कैसीन पर काम करना स्टार्ट करता है तो ये जो लैक्टिक एसिड है वह इस कैसीन को क्या बोलता है कि भाई जो तुम ग्लोबुल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो, जो तुम बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो, अब तुम क्या हो जाओ, दूर दूर हो जाओ, अब तुम दूर दूर हो जाइए। और जो कैसीन है वह इसकी बात मान लेता है और क्या करता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के कैसीन के, वह एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब दूर होना स्टार्ट कर दिए, दूर हो गए सारे, फिर क्या बोलता है कि अब तुम वापस से रिकम्बाइन हो जाइए। फिर क्या बोलता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड ने पहले बोला कि जो कैसीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो बंडल्स की फॉर्म में हैं वो एक दूसरे से पहले दूर हो जाइए, और उसके बाद में बोलता है कि वापस से अब तुम रिकम्बाइन हो जाइए। और जब तुम रिकम्बाइन हो रहे हो तो जो मिल्क में फैट एंड वाटर है, मिल्क में क्या प्रेजेंट रहता है, फैट और वाटर भी रहता है ना
मिल्क में फैट रहता है, वाटर रहता है, प्रोटीन रहता है, शुगर प्रेजेंट रहती है। तो मिल्क में जो फैट एंड वाटर प्रेजेंट है उसे भी अपने साथ ले लीजिए जब आप रिकम्बाइन हो रहे हो। तो जब कैसिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रिकम्बाइन होते हैं तो फैट एंड वाटर को भी अपने साथ ट्रैप कर लेते हैं। वह इस तरह का नेटवर्क बनाते हैं जिसमें फैट एंड वाटर भी क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। और इसी की वजह से जो हमारा दही है उसका जो टेक्सचर रहता है वह सेमी सॉलिड रहता है। किसकी वजह से? अब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। तो कैसिन का क्या होता है, कोएगुलेशन होता है। और कैसिन के कोएगुलेट होने की वजह से ही जो कर्ड का स्ट्रक्चर है वह आ पाता है। कर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेमी सॉलिड रहता है जो कि कैसिन के कोएगुलेट होने की वजह से आता है। ठीक है बच्चा, तो यह आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मिल्क से कर्ड किस तरह से बनाया जाता है। चलिए अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, हमने देखा कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इन ऑर्डर टू मेक कर्ड, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड कॉल्ड स्टार्टर इज एडेड टू वार्म मिल्क। वार्म मिल्क में हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम स्टार्टर ऐड कर रहे हैं। दिस स्टार्टर और इनोकुलम कंटेन्स द स्पेशल बैक्टीरिया नीडेड फॉर मेकिंग कर्ड। जो हमने स्टार्टर डाला है उसमें जो बैक्टीरिया हमें चाहिए मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए वह प्रेजेंट रहता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑफ दीज द बैक्टीरियम इज लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। एंड बैक्टीरियम इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, प्रमोट करता है कि दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये क्या करता है कि अपने आप को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। जब हम मिल्क में कर्ड को ऐड करते हैं तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वह क्या करना स्टार्ट कर देता है, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है अपने ही जैसे। बहुत सारे मिलियंस में, मिलियंस एंड बिलियंस में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और जो अपना मिल्क है वह कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। When a starter is added to the warm milk, then lactobacillus bacteria multiplies in milk and converts it into curd. और उसको कर्ड में यह कन्वर्ट कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है मिल्क से कर्ड बनाने का। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड क्या होता है, हमने क्या किया, हमने दूध लिया, दूध को हमने थोड़ा गर्म किया, उसके बाद उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद हमने उसमें स्टार्टर डाला यानी कि 1 टेबल स्पून कर्ड डाला। अब जो 1 टेबल स्पून कर्ड है उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस भी कहते हैं। तो ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है यह क्या करता है, जो मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट है, जो शुगर प्रेजेंट है, उस पर काम करना स्टार्ट करता है और लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। अब जो लैक्टिक एसिड है उसी की वजह से जो दही है उसका जो टेस्ट है वह खट्टा होता है। ठीक है बच्चा, अब ये जो लैक्टिक एसिड बना है ये क्या करेगा, जो मिल्क में कैसिन प्रेजेंट है, कैसिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो लैक्टिक एसिड बना है वह क्या करेगा, वह कैसिन के मॉलिक्यूल्स को बोलता है कि तुम दूर दूर हो जाइए और फिर वापस से रिकम्बाइन हो जाइए। और फिर जब रिकम्बाइन हो रहे हो तो मिल्क में जो फैट एंड वाटर प्रेजेंट है उसे भी अपने साथ में ट्रैप कर लीजिए। और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कोएगुलेशन। ठीक है, और प्रोटीन के कोएगुलेट होने की वजह से ही जो मिल्क का स्ट्रक्चर आता है दैट इज सेमी सॉलिड वह आ पाता है। ठीक है बच्चे, तो ये पूरा प्रोसेस होता है मिल्क से कर्ड बनाने का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए द नॉलेज नुक्कड़ के साथ।